फ्लिपकार्ट कंपनी के द्वारा आज प्रदेश में अपने दो अत्याधुनिक वेयरहाउस एक उन्नाव जनपद में और दूसरा वाराणसी में आज यहां पर इनका लोकार्पण हो रहा है। इसके लिए मैं ग्रुप पोस्ट और स्थानीय उन सभी स्टेक होल्डर्स को जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश में एमएसएमई का एक देश विगत सैकड़ों वर्षों से लेकिन समय के अनुरूप तकनीक डिजाइन पैकेजिंग और समाज की और मार्केट की मैपिंग के बगैर कोई भी ठोस कार्य योजना न बनाए जाने के कारण यह विगत 3-4 दशकों से दम तोड़ रहा था। इसका कोई पुरसा हाल नहीं था। 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तो हम लोगों ने उस समय प्रदेश के अपने एमएसएमई का मैपिंग करना शुरू किया था और उसे हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट करना प्रारंभ किया। मैंने उस समय विभाग के अधिकारियों से कहा था कि हमें अपनी परंपरागत उत्पाद के लिए एक नया प्लेटफॉर्म देना होगा जो आम जन को अपनी ओर आकर्षित कर सके और तब एक जनपद एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में हमने इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया था। और मुझे प्रसन्नता हुई कि प्रारंभ में हमने डिजाइन के साथ जोड़ा, ट्रेनिंग के साथ जोड़ा, मार्केट के साथ भी जोड़ा, इसके बाद फिर इसमें पैकेजिंग आदि भी जुड़ा, एक्सपोर्ट के साथ जुड़ना प्रारंभ हुआ। लेकिन इसको और गति देने में हमें मदद मिली जब फ्लिपकार्ट ग्रुप हमारे साथ जुड़ा और उसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में जब अपनी सेवाएं देनी प्रारंभ की तो यह उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में लोकप्रिय होती हुई दिखाई दी। स्वाभाविक रूप से एक नए युग की का सूत्रपात हुआ है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हर नागरिक को शहर में हो या गांव में अपने प्रोडक्ट को वह दुनिया के किसी भी मार्केट तक पहुंचाने में समर्थ हो सकता है। तो पहले कठिन था, असंभव भी था, लेकिन आज उस असंभव को कठिनाई में और कठिनाई को फिर संभव में बनाते हुए आज तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे सामने उपलब्ध हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर फ्लिपकार्ट ग्रुप के द्वारा दो अत्याधुनिक वेयरहाउस एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ कमिश्नरी से जुड़े हुए जनपद में उन्नाव में और दूसरा प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विख्यात वाराणसी में स्थापित किया गया है। हम देख सकते हैं कितने जॉब नए क्रिएट हो सकते हैं। और दूसरा स्वाभाविक रूप से अगर आपके पास वेयर हाउस है तो आप अपनी प्रोडक्ट को एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सभी ग्राहक के साथ न्याय करने की स्थिति में होते हैं। कालाबाजारी नहीं हो सकती क्योंकि कालाबाजारी तब होती है, किसी चीज का दाम महंगा तब होता है जब एक व्यक्ति की मोनोपोली होती है। और मार्केट में भी है, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी दे रहे हैं, जो सस्ता देगा पब्लिक उसको ऑर्डर देगी, उसको अपने घर में मंगवा लेगी। If you like the video, do like, comment, share, and subscribe.